अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं लोग? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक पिक्सल कैसे इंस्टॉल कर किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट है, चाहे अपने क्लाइंट की वेबसाइट है, आप उस पे जो है फेसबुक पिक्सल इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ए टू जेड बताऊंगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं पिक्सल्स क्या होते हैं। दोस्तों, फेसबुक पिक्सल ये होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो भी बंदा विजिट करता है उस पे जो ना वो कौन कौन सी किस किस पेजेस पे जाता है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो ना फेसबुक पिक्सल जो लगाए जाते हैं, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट विजिट की होगी, उस पे अगर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल किए होते हैं तो वो फेसबुक पिक्सल जो ना आपको ट्रैक कर देते हैं। और उसके बाद जो ना आप कुछ टाइम के बाद जो ना आप फेसबुक जब चलाते हैं तो उसकी जो ना आपको एड शो होती है। तो दोस्तों, ये जो है फेसबुक पिक्सल का कमाल होता है। तो अब बात स्टार्ट करते हैं कि ये जो ना कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, business.facebook.com ओपन कर लेना है। दोस्तों, ओपन करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो होंगे, यूजर्स, अकाउंट्स, आपको डेटा सोर्सेस पे आना है। डेटा सोर्सेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सल्स पे आना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने आपके पिक्सल्स बने होंगे वो आपको शो होंगे। अगर आप न्यू कोई बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, और कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी, और यहाँ पे जो ना आपको पिक्सल्स का नाम देना है, ठीक है। तो मैं जो थर्ड डायरी का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं URL दे देता हूँ वेबसाइट की, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है ये मेरा समझे वो नाम बन गया। तो अब जो मुझे क्या करना है, अब जो है ये थर्ड डायरी के नाम से जो ना ये मैंने नाम रख लिया फेसबुक पिक्सल का। अब बात करते हैं ये इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ना नोट पैड ओपन कर लेनी है। थोड़ा स्लो हो रहा है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ये ओपन करने के बाद आपको इस पे जो है ना आना है, इस पेज पे आना है। दोस्तों, ये जो ना फेसबुक का जो पिक्सल्स का कोड होता है, इस पे आना है। दोस्तों, आपको तो नहीं पता होगा इसके अंदर बाकी क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, आपको सिर्फ जो ना ये जो ना योर फेसबुक योर पिक्सल आईडी गोज हियर, ठीक है। यहाँ पे जो ना आपको पिक्सल आईडी जो ना वो यहाँ पे देनी है, एक यहाँ पे और दूसरी जो ना यहाँ पे आपको आईडी देनी है। अब वो आईडी आपको कहाँ मिलेगी, वो आईडी जो है ना आपको वापसी आना है इसी थर्ड डायरी पे क्लिक करना, जो आपको पिक्सल्स जिसको कनेक्ट है आपको यहाँ पे कॉपी करनी है, और यहाँ पे जो ना आपको इसको पेस्ट करनी है, ठीक है। दोस्तों, ये जो ना पेस्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको वापस जाना है, और ये जो ना पूरा कोड आपको यहाँ से कॉपी कर देना है, और यहाँ पे जो ना आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, पेस्ट करने के बाद ये देखें, एक मिनट मैं आपको फुल जो ना ये करके दिखाता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ ये जो ना कोड यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको ये जो ना पेस्ट कर देना है। ये जो ना पेस्ट किया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपको ये पेस्ट करना है, ठीक है। दोस्तों, पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप अपनी वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे जो ना आपको प्लगइन्स पे आना है, और यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, एक न्यू प्लगइन आपको ऐड करना है, हेडर एंड फुटर कोड मैनेजर, दोस्तों ये आपके सामने आ रहा है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसको आपको जो ना इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ये इंस्टॉल करेंगे, अब जो ना इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है, और ये देखें आप एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ से जो ना ये एक नया ये जो ना मिलेगा नेविगेशन, और यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जो ना ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ भी, अभी कोई भी जो यहाँ पे जो ना वो न्यूज़ स्नैप नहीं है, तो आपको यहाँ पे न्यू ऐड न्यूज़ स्नैप पेड क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ना आपको लिखना है फेसबुक जो भी आपको नाम लिखना चाहते हैं। मैं जो ना यहाँ पे लिखूँगा फेसबुक पिक्सल, ठीक है। दोस्तों, फेसबुक पिक्सल के बाद जो ना यहाँ पे आप सुनाई टाइप जो ना इसको HTML रहने दें, और यहाँ पे साइड डिस्प्ले आपको साइड वाइड रखना है,
और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे जो ना आपको ये फुटर नहीं करना, आपको हेडर सेलेक्ट करना है, ठीक है, लोकेशन। उसके बाद जो ना यहाँ पे शो ऑन ऑल डिवाइसेस, ये आपको ये जो ना रहने देना है, और इसको एक्टिव जो ना रहने देना है। तो आपको अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, सिनेप्स कोड, अब ये कोड जो ना आपको सारा से यहाँ से जो ना वो कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे इसको जो ना रिमूव कर देना है, क्योंकि यहाँ इसको जो ना हमें यहाँ पे पेस्ट करनी थी, वो ये जो ना आईडी पेस्ट कर दी है। और यहाँ पे आपको करना है, कॉपी किया और यहाँ पे जो ना आपको पेस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। पेस्ट करने के बाद अब जो आपको इसको यहाँ पे सेव कर पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। ये जो ना हमारा वो अपडेट हो गया, ये एक मिनट, फिर भी इसको अपडेट कर देते हैं। और अब जो ना आपको इस पे आना है, ऑल स्नैप्स पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे जो मैंने एक बनाया है, ये स्नाइपेस्ट, ये जो ना यहाँ पे बन गया है आपके सामने है। और अब जो है हम वेबसाइट को विजिट करते हैं दोस्तों, ये देखें वेबसाइट मैंने विजिट की है। तो अब देखें इस पे जो ना ये फेसबुक पिक्सल जो ना वो इंस्टॉल हो गए हैं। आपको ये कैसे पता चल गया कि ये जो ना इंस्टॉल हुए हैं दोस्तों? ये आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो ना आना है गूगल क्रोम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है। ये दोस्तों एक एक्सटेंशन है, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे आप चेक करना चाहते हैं कि इस पे जो ना फेसबुक पिक्सल लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, तो आप इसको जो ना इंस्टॉल करना है अपने क्रोम में, ठीक है। और दोस्तों ये जो ना मेरे पास ऑलरेडी जो ना वो एक्सटेंशन ऐड हुआ हुआ है, आपके सामने ये पड़ा है, ठीक है। और ये जो ना आपको इंस्टॉल कर देना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको जो ना क्रोम में ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो ना आपको ये जो ना अभी दिखाई देगा, लाजमी नहीं है ये मेरी वेबसाइट पे देखें, अभी जो ना मैं दराज सर्च कर देता हूँ, दराज डॉट पी के, ठीक है, और फॉर सपोज डिजिटल ओशन कर देता हूँ, और आई स्लर्स डॉट पी के, ये आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको अभी टेस्ट करना है ना, आप ये जो ना तरीका मैंने बताया, आप इस वेबसाइट पे जो ना वो करके उसके बाद जो ना आपको ये इंस्टॉल कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि ये जो ना इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। देखें ये जो ना थर्ड डायरी का नाम है पिक्सल्स का, जो मैंने रखा था आपके सामने था, और यहाँ पे लिखा हुआ ना पेज व्यू, और ये जो ना ऑटोमेटिक डिटेक्टेड। और अब देखें यहाँ पे हम जो ना आएंगे ये दराज डॉट पी के भी दोस्तों, देखें ये दराज डॉट पी के भी पे भी जो ना है आपको दिखाई दे रहा है, इस पे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फेसबुक पिक्सल्स, और दूसरा ये भी नाम इसका लिखा हुआ है फेसबुक पिक्सल। और यहाँ पे डिजिटल ओशन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखें इस पे भी फेसबुक पिक्सल्स जो है ना वो एक्टिव हैं। तो अब जो ना आई स्कल स्टार पी के भी मैं आता हूँ, और यहाँ पे देखें इस पे जो ना ये फेसबुक पिक्सल जो ना इंस्टॉल हो गए हैं। तो ये देखें आप जो ना, आई होप इस वीडियो देखने के बाद आप इजीली जो ना वो कर सकते हैं, ये इंस्टॉल बहुत इजी प्रोसेस था, बहुत सिंपल था। तो मैंने आपको बताया कि ये जो ना कैसे इंस्टॉल होता है, तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने वेबसाइट पे या क्लाइंट की वेबसाइट पे इजीली कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और से रिलेटेड कोई भी आपको, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँ, कोशिश करूँगा जो ना आपको उसका जवाब दे सकूँ। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।